रिकॉर्डिंग किया था। यस ओके अब हम लोगों को बात करनी है अगेन, CSR एक्टिविटी आ जाती है। दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम, दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस बुक। CSR एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है दैट बिजनेस शुड कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन देयर एक्टिविटीज एंड डिसीशंस, लीगल ऑब्लिगेशन से ज्यादा। देखो, लीगल ऑब्लिगेशन तो ये हैं जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी है, लेकिन CSR का मतलब ये होगा कि नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी है लीगली, बल्कि वो वाली एक्टिविटीज भी जो आपको वो वाली एक्टिविटीज भी जो आप एज अ कंपनी खुद सोचते हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है दो तीन दफा कि आप एक ऑर्फनेज विजिट करते हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये कंपनी खुद सोचती है। उसका HR डिपार्टमेंट कहता है कि देखो, फॉर गुड पब्लिसिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम IBA में जब पढ़ते थे तो IBA का एक प्रोग्राम होता है NTHP, दैट मींस नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। उसके अंदर व्हाट वी से इज दैट पीपल हु पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस आर अलाउड टू एंटर IBA विदाउट एनी फीस, और उनको पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है सो दैट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड यू वांट दीज पीपल हु आर टैलेंटेड बट नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस कि वो पढ़ लिख कर और वो कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये होता है CSR एक्टिविटीज। अब ये तो यू विल जस्ट रीड थ्रू इट, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव। नाउ स्टेक होल्डर्स के हमने ऑब्जेक्टिव्स काइंड ऑफ डिस्कस कर लिए कि रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इस तरीके से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि हर स्टेक होल्डर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। और व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, हम किस पॉइंट पे आ जाते हैं कि सब जो हैं वो सफर कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर बिजनेस बोलता है कि मैंने एक्सपैंड करना है, तो गवर्नमेंट बहुत खुश होगी और गवर्नमेंट बोलेगी कि यार ये तो जबरदस्त हो गया। इफ दे आर एक्सपैंडिंग दे विल इंक्रीज आर टैक्सेस, इफ दे आर एक्सपैंडिंग दे विल प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसको मसला हो सकता है? लोकल कम्युनिटी को मसला हो सकता है, क्योंकि जहां वो एक्सपैंड कर रहा है वो जगह जो है वो दैट वाज लाइक वो वाली जगह जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, अब उन लोगों को हटना पड़ेगा, वेयर विल दे गो? या ये वो वाली जगह है जहाँ पे आपके कोई गार्डन कोई पार्क था, तो वो उसको हटा के एक माइन लगा रहे हैं या कोई काम लगा रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग अलग हैं, सो यू माइट एंड अप हैविंग डिफरेंट इश्यूज अपनी आपस में। ठीक है, सो आई विल जस्ट रीड व्हाट दे हैव रिटन। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट, एनी अटेम्प्ट टू मीट नॉन लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस टू अदर स्टेक होल्डर्स विल कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ड्यूटी टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब आप अगर ये कोशिश करते हो कि आप और स्टेक होल्डर्स को हेल्प करो, तो शायद आप अपने शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। एनी नॉन असेंशियल कॉस्ट रिड्यूस प्रॉफिट, सो द आर्ग्यूमेंट गोज। अब अगर आप देखो लोकल कम्युनिटी का ख्याल करते हुए, पोल्यूशन कम करो, एफिशिएंट मेथड्स यूज करो, ये सब, तो क्या करोगे आप? कॉस्ट बढ़ा दोगे। कॉस्ट बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो मसला किसको होगा? आपके शेयर होल्डर्स को। तो आप जो है वो क्योंकि अपने स्टेक होल्डर को फायदा पहुंचा रहे थे, और वो स्टेक होल्डर थी आपकी लोकल कम्युनिटी और आपके कस्टमर्स, उनको आप फायदा पहुंचाते पहुंचाते आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बुरा कर दिया। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज। टेकिंग द स्टेक होल्डर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच, वी हैव सीन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स मे बी मेट इन वेज दैट रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू शेयर होल्डर्स इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब ये फिर भी कहते हैं दैट देयर कैन बी प्रॉब्लम्स।
अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि मैंने एक कोल माइन खोलनी है, कोल माइन जहां से वी एक्सट्रैक्ट कोल्स, ठीक है, तो कुछ लोग तो खुश होंगे, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये एक मसला होगा। कैसे? अब कैसे मसला हो सकता है? एम्प्लॉयज जो हैं, नहीं, शेयर होल्डर्स बहुत खुश हो रहे हैं, भाई कोल माइन लग रही है, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है, इसके अंदर आपके पास जान जाने का खतरा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट माइट बी हैप्पी दैट दे विल रिसीव मोर टैक्स एंड देर वुड बी एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और ये सब, बट लोकल कम्युनिटी माइट नॉट बी हैप्पी बिकॉज यू आर डिगिंग द एंटायर जमीन, एंड इफ यू आर डूइंग दैट तो उसके अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं? उसके अंदर ये इशू आ सकता है कि वो सॉयल इरोजन हो जाए, वहाँ इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाए, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन तो होगी होगी, लोगों की जान जाने का खतरा है। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम अराइजेस। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बिजनेस को स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डील करना होता है? तो आंसर इसका ये है, जैसे व्हाट वी डू इन आवर लाइफ, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको किसी ना किसी स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट देन इवेंचुअली यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, परहैप्स अ फैक्ट्री विल क्लोज इन स्टेजेस रादर देन इमिजिएटली टू अलाउ वर्कर्स टाइम टू फाइंड अदर जॉब्स, बट बिजनेस कॉस्ट विल फॉल मोर स्लोली। तो आप बोलो कि अगर मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा तो वर्कर्स बिल्कुल खत्म अपनी जॉब्स ढूंढने में लगे रहेंगे और उनको 2-3 महीने जॉब मिलेगी भी नहीं, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलो कि मैं कॉस्ट कम कर लेता हूँ और काम करता रहूं, तो वर्कर्स खुशी खुशी आपके साथ काम करते रहेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू टेल यू ओवर हियर इज दैट यू विल हैव टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज। आप अपने डिसीशंस को इवैल्यूएट करते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड वंस यू हैव रीच्ड टू अ पॉइंट कि हम क्या कर सकते हैं, देन यू एक्चुअली प्रायोरिटाइज कि भाई इस वक्त किस स्टेक होल्डर को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, एंड देन यू शुड गो अबाउट हेल्पिंग दैट स्टेक होल्डर द मोस्ट। सही है। अब इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स ऑफ चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है? द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफन मीन्स दैट डायरेक्टर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट माइट बी फोर्स टू चेंज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अब आई एम नॉट श्योर इफ बोथ ऑफ यू वर इन द क्लास व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, बट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बेटा ये होता है कि ये विद टाइम चेंज करता है। इनिशियली आप आते हो सर्वाइवल पे कि भाई मैं इस मार्केट में अल्लाह अल्लाह करके रुक जाऊं, एंड वंस आई हैव स्टेड आई वांट टू अचीव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आई वांट टू अचीव ग्रोथ एंड ऑल। अब अगर ये हो जाता है तो आपका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। मतलब अब वंस यू थिंक अबाउट चेंजिंग, आप बोलते हो कि मैं सर्वाइवल से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता हूँ, तो स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है हम वो देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, नोकिया एक्सपीरियंस अ कोलैप्स इन सेल्स ऑफ इट्स मोबाइल फोन्स इन 2013। इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर ग्रोथ इट वॉज फोर्स टू फाइट फॉर सर्वाइवल। इसकी वजह से क्या हुआ, 10,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली गई, उन्होंने मेजर पार्ट अपना बेच दिया बिजनेस का माइक्रोसॉफ्ट को। आर यू गाइज लिस्टिंग? यस सर, ठीक है ना, कोई इशू, यस सर, एनी इशूज? वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द नो टास्क। सर, नाउ ओके, ठीक है। तो ये समझ आ गया अब आपका स्टेक होल्डर को किस तरीके से फर्क पड़ा कि वैसे बिजनेस लॉस में गया और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया फ्रॉम ग्रोथ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सर्वाइवल। तो सबसे बड़ा नुकसान एम्प्लॉयज को हुआ, उनकी जॉब चली गई, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि बॉडी शॉप हैज वन ऑफ इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स और वो है सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज, बट ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन इट वॉज फोर्स्ड इन 2013 टू फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैज क्लोज्ड सम शॉप्स। अब इससे कस्टमर को नुकसान हुआ कि आपके पास वैरायटी कम हो गई, यू हैव टू लाइक यू आर नॉट गेटिंग बॉडी शॉप
एवरीवेयर आपको जगह जगह ढूंढना पड़ रहा है। दूसरा, जब ऑब्जेक्टिव था सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज, तो यू आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द लोकल कम्युनिटी। व्हेन दिस हैज एंडेड एंड यू हैव गॉन टू कॉस्ट कटिंग मेथड्स, तो यू आर नॉट एक्चुअली बेनिफिटिंग द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि हर पॉइंट पे आपका स्टेक होल्डर डिफरेंटली डिफरेंटली इम्पैक्ट होगा स्टेक होल्डर पे। और कई दफा ये होगा कि एम्प्लॉयज की जॉब्स जाएंगी, कई दफा ये होगा कि कस्टमर को वैरायटी कम मिलेगी, और कई दफा इफ इट्स इन द बेटर वे दीज थिंग्स विल चेंज, यू विल एक्सपैंड, एम्प्लॉयज विल गेट बेटर जॉब्स, इफ यू विल एक्चुअली गेट बेटर रिटर्न्स, तो आपके शेयर होल्डर्स को बेटर पैसे मिलेंगे, मैनेजर्स को बेटर पैसे मिलेंगे। दिस इज हाउ एवरीवन इज इम्पैक्टेड। एंड विद दिस आई थिंक वी डन विद द चैप्टर। अब हमारा AS का जो Unit 1 है, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो तुम लोग अभी पूछ लो। अदर देन दैट आई टोल्ड यू टू प्लीज रीड थ्रू थिंग्स, ताकि इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, आई विल मेक शॉर्ट वीडियोस एंड सेंड देम टू यू। एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question on conflict and between the जी जी stakeholders. पूछो पूछो पूछो, व्हाट्स द क्वेश्चन? Conflict between stakeholders. ऑल राइट, सो गनिया, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेक होल्डर्स, वी आर सेइंग दैट अगर आप एक को फुलफिल करने जाते हो, सो द अदर वन माइट हैव अ प्रॉब्लम। बेसिकली वी आर सेइंग दैट शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका स्टेक है, एंड शेयर होल्डर्स आर द वन हु हैज अ शेयर इन द बिजनेस एंड देर गेटिंग अ रिटर्न। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लोकल कम्युनिटी को खुश करने के लिए, वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू यूज एफिशिएंट मेथड्स, जिसके अंदर कॉस्ट बढ़ रही हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, न्यू इन्वेंशन हो, ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, ज्यादा एयर पोल्यूशन ना हो रही हो, मैं हर चीज का ख्याल करूं, या इवन मैं CSR कर रहा हूँ। तो ये सब करने से मैं स्टेक होल्डर्स का तो बड़ा अच्छा ख्याल कर रहा हूँ, लोकल कम्युनिटी को प्रॉपरली, बट आई एम इंक्रीजिंग द कॉस्ट। और हमेशा याद रखो, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू टू थिंग्स, वन इज रेवेन्यू एंड वन इज कॉस्ट। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जो शेयर होल्डर है उसका समझो शेयर है इन दैट प्रॉफिट, तो ही विल गेट लेस रिटर्न आउट ऑफ दैट शेयर, ओके? एंड वंस ही गेट्स लेस रिटर्न, तो ही वुडेंट बी हैप्पी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अगर मैं स्टेक होल्डर को खुश करने जाता हूँ तो मेरा शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, और अगर मैं शेयर होल्डर को खुश करने जाऊं कि भाई बस प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, सो आई माइट लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपना मेन सप्लायर छोड़ के बोलूंगा, मैं वो छोटे सप्लायर ढूंढ लेता हूँ जो मुझे सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं अच्छे गुड्स नहीं बनाऊंगा, और अच्छे गुड्स नहीं बनाऊंगा तो वो कस्टमर्स खुश नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ यू ओवरऑल क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है, और उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नाउ इज दिस क्लियर? Okay, yes. ऑल राइट, सो एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द क्लास? No, sir. ठीक है, नाउ वील इंशाल्लाह हैव आवर क्लास ऑन ट्यूसडे, आई थिंक AS की इज ऑन ट्यूसडे ना? ऑल राइट, अल्लाह हाफिज।